यहाँ पे खबर यह है कि अल्लू अर्जुन ने सरपास कर दिया है प्रभास को, जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पे पेड एक्टर बन चुके थे तेलुगु इंडस्ट्री के अंदर। जैसे कि आपको पता है, प्रभास ने यहाँ पे करीबन 100 करोड़ का यहाँ पे चार्ज किया था अपने एक्टिंग के लिए, और उसी को आके यहाँ पे पास करते हुए या फिर आपके लोग की जो रिकॉर्ड तोड़ते हुए करीबन 125 करोड़ को चार्ज किया गया है अल्लू अर्जुन के द्वारा, जो अपने अपकमिंग मूवी के लिए वे एक्टिंग करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अल्लू अर्जुन का जो मार्केट में नाम है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, जब से उनका जो मूवी पुष्पा द राइस आके यहाँ पे हिट हुआ था। तो उसी के साथ आके यहाँ पे अल्लू अर्जुन ने चार्ज किया है करीबन 125 करोड़ अपने एक बॉलीवुड के अंदर डेब्यू करने के लिए। यहाँ पे खबर जम्मू और कश्मीर से आ रहा है, ईडी ने रेड डाला है कई सारे जगहों पे, जहाँ पे कहा यह जा रहा है कि MBBS का जो सीट है वो आके यहाँ पे बेचा जा रहा था पाकिस्तान से। जैसे कि यहाँ पे खबर यह आ रहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कई सारे जगहों पे यहाँ पे रेड मारा है। उसी के साथ आके यहाँ पे खबर ये भी आ रहा है कि जो हुर्रियत के नेता है उनके घरों के अंदर भी आके यहाँ पे कई सारा रेड मारा गया है, और आके यहाँ पे कई सारे जो दस्तावेज है उसको यहाँ पे प्राप्त किया गया है। गुजरात टाइटन्स का जो नया जर्सी है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने शेयर किया है इस फोटो को अपने ट्विटर हैंडल पे, और कहा यह जा रहा है कि गुजरात टाइटन्स का जो नया डिज़ाइन है उसके अंदर आके एक स्टार भी देखा जा सकता है, जिसमें आपको पता ही होगा कि गुजरात टाइटन्स पिछले साल आके यहाँ पे जीता था IPL का टाइटल, और उसी को आके यहाँ पे बरकरार रखने के लिए गुजरात टाइटन्स ने अपना जो जर्सी है उसके अंदर एक स्टार भी लगा के रखा है। यहाँ पे खबर यह आ रहा है कि ओयो फाउंडर जो रितेश अग्रवाल है उनके पिता अब नहीं रहे, करीबन 20th फ्लोर के ऊपर से वे गिर पड़े और गुरुग्राम के हॉस्पिटल में वे पहुंचे, लेकिन उनका जो हालत है बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, उस वजह से डॉक्टर नहीं बचा पाए। और खबर ये भी आ रहा है कि रितेश अग्रवाल का जो शादी है उसके 2 दिन के बाद ही ये हादसा हो चुका है उनके फैमिली के साथ, और ये आके बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बड़ा नुकसान हो गया है उनके परिवार के लिए। यहाँ पे एक फोटो बहुत ही ज़्यादा वायरल जा रहा है, जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं रणवीर कपूर ने आके यहाँ पे फोटो शेयर किया है अपना जो फिजिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बारे में। जैसे कि आप देख ही सकते हो, रणवीर कपूर ने अपना जो बॉडी है उसको पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया है, और आके उनका जो यहाँ पे ट्रेनर है उन्होंने कई सारे चीज़ों के बारे में बात किया है। ये सब कुछ यहाँ पे मुमकिन हुआ है सिर्फ आके डिसिप्लिन और जो हेल्थी लाइफस्टाइल उन्होंने फॉलो किया है उस वजह से। नीतू कपूर ने यहाँ पे खरीद लिया है मर्सिडीज का मेबैक, जो कि करीबन 3 करोड़ से भी ज़्यादा लागत का है। जैसे कि आपको पता है, एक्ट्रेस नीतू कपूर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शौकीन है कार की, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक फ़ोटो भी डाला था, जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं मेबैक GLS 600 कार को उनके पीछे। उसी के साथ कहा जा रहा है कि 3 करोड़ से भी ज़्यादा आके इसका दाम है, आप अगर इसको आके इंडियन करेंसी में देखते हो तो। कल ही N3N2 वायरस के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा आके यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है ऑल ओवर द इंडिया, और आपको पता ही होगा कि उसी के साथ जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने आके जारी किया है एक नोटिफिकेशन, जिसके अंदर कहा यह जा रहा है कि जो कोई भी आके यहाँ पे टेस्ट किट खरीदना चाहता है तो यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस में उनको ये किट मिल जाएगा, जो आके अपने घर के अंदर बैठे बैठे जाँच कर सकता है कि क्या उनको ये वायरस हुआ है कि नहीं। वायरल वीडियो के अंदर जहाँ पे हम देख ही सकते हैं, एक रिक्शा वाले ने यहाँ पे बहसबाजी करना शुरू कर दिया है एक वुमन पैसेंजर के साथ, जहाँ पे कन्नड़ा और हिंदी लेके यहाँ पे ये बातचीत किया गया है। जैसे कि आप देख ही सकते हो, यहाँ पे ऑटो वाले को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, जब आके यहाँ पे वुमन पैसेंजर ने कहा है कि आप हिंदी में बात कीजिए, मुझे कन्नड़ा नहीं आता है, तब आके ये जो ऑटो वाला है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया, और उसने कहा है कि ये हमारी धरती है तो यहाँ पे आपको कन्नड़ा ही बोलना पड़ेगा। सुष्मिता सेन को देखा गया रैंप वॉक करते हुए उनके हार्ट अटैक के बाद। अगर आपको जानना है पूरा स्टोरी तो इस वीडियो को यहीं तक देखिए। और जैसे कि आपको पता है, एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को आके यहाँ पे हार्ट अटैक हुआ था, जिसके अंदर आपको पता होगा कि वे आके किसी भी अपने जो फैन है उसको पता लगने नहीं दिया। उस जब एक हफ्ता हो गया उस चीज़ को, तो उन्होंने यहाँ पे बताया अपने फैंस को अपने एक इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर। क्या PM नरेंद्र मोदी आना चाहते हैं कपिल शर्मा शो के अंदर? जैसे कि आपको पता है, PM नरेंद्र मोदी और कपिल शर्मा के बीच में जो आके यहाँ पे बहस हुआ था, जिसमें आपको पता होगा कि यहाँ पे कपिल शर्मा ने ट्विटर में कंप्लेन किया था मुंबई में जो वाटर लॉग होता है उसके बारे में डायरेक्टली अपने ट्विटर हैंडल पे। उसके बाद आपको पता ही होगा कि जो आके यहाँ पे BJP सपोर्टर थे बहुत ही ज़्यादा ट्रोल करना शुरू कर चुके थे अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। उसी के ऊपर आके यहाँ पे बात करते हुए कपिल शर्मा ने ये भी बताया कि जहाँ पे कपिल शर्मा ने पूछा था प्रधानमंत्री मोदी को आने के लिए अपने शो के अंदर, जिसमें प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि जो अपोजिशन है वे आके यहाँ पे कॉमेडी कर रही है, तो वे आके नहीं आ सकते फिलहाल, लेकिन किसी दिन ज़रूर आएंगे।
स्मृति मंदाना को यहाँ पे फेस करना पड़ा ऑनलाइन ट्रोलिंग, जिसके अंदर आपको पता होगा कि आरसीबी का जो मैच है उसमें करीबन 4 मैच में वे एक भी स्कोर नहीं कर पाई, और उसी वजह से यहाँ पे आरसीबी का जो है यहाँ पे आप कह सकते हो परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर चुका, और आके यहाँ पे जो आरसीबी के फैंस है वे आके यहाँ पे ट्रोल करना शुरू कर चुके हैं स्मृति मंदाना को। जैसे कि आपको पता है इन प्लेयर को करीबन 3.4 करोड़ रुपीस में आरसीबी ने ऑक्शन में जीता था। यहाँ पे खबर यह है कि एक्ट्रेस पारुल गुलाटी को यहाँ पे मिला है करीबन 1 करोड़ रुपये का चेक, जिसके अंदर उनका जो हेयर एक्सटेंशन ब्रांड है उसको शार्क टैंक ने यहाँ पे फंड किया है। जैसे कि आपको पता है एक्ट्रेस पारुल आके रिसेंटली पहुंची थी शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के अंदर, जहां पे उनको फंडिंग मिला है 1 करोड़ रुपए का चेक, जिसमें आके कार देखो के जो ओनर है अमित जैन, उन्होंने 2% इक्विटी के लिए 1 करोड़ रुपए दिया है इनकी ब्रांड के लिए। क्या आपको भी जानना है कि क्या होता है ऑस्कर नॉमिनीज के गिफ्ट बैग के अंदर, तो इस वीडियो को यहीं तक देखिए। जैसे कि आपको पता है कई सारे मूवीज़ को आके यहाँ पे ऑस्कर में नॉमिनीस किया जाता है और उनको आके बुलाया भी जाता है उन स्टेज में, लेकिन क्या आपको पता है उस गिफ्ट बैग में क्या होता है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम आके सूत्रों के माने तो यहाँ करीबन $1,26,000 का यहाँ पे गिफ्ट होता है। अगर हम इसे भारत के रुपये में कन्वर्ट करें तो करीबन 1 करोड़ रुपये का गिफ्ट वाउचर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे दिल्ली से खबर यह आ रहा है कि दिल्ली के सीएम और जो एमएलएस वहाँ पे बैठते हैं उन लोगों का सैलरी यहाँ पे बढ़ चुका है। अगर हम बात करें दिल्ली के सीएम के बारे में तो यहाँ पे उनको करीबन 136% का हाइक मिला है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे करीबन 72,000 रुपीस आके यहाँ पे पर मंथ सैलरी था दिल्ली के सीएम का, लेकिन अब आके उसको बढ़ा के 1.7 लाख कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कई सारे अलाउंस के साथ इनको यहाँ पे 1.7 लाख रुपीस पर मंथ सैलरी भी मिलता है सरकार के तरफ से। अगर हम बात करें एमएलएस के सैलरी के बारे में तो करीबन 54,000 रुपीस पर मंथ यहाँ पे उनका सैलरी होता था, लेकिन अब आके इसको बढ़ा के 90,000 पर मंथ कर दिया गया है, जिसके अंदर आके आप कह सकते हो कि एक लैपटॉप मोबाइल और भी अलग अलग जो अलाउंस यहाँ पे दिया जाता है सरकार के तरफ से वो सब कुछ आके यहाँ पे मिलता है इन एमएलएस को या फिर आप कह लो कि सीएम को भी। तो उम्मीद है कि आपको कुछ नया जानकारी मिला होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे दिल्ली में और आके इनका सैलरी कितना होता है। और भी आपको इससे खबरें चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू।